सो गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। बोट की एक और वॉच आने वाली है, तो गाइज वॉच पे वॉच लॉन्चेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो रहे हैं कि कौन सी वॉच लें। बोट की वेव लीप कॉल आने वाली है। लुक और फील तो मेरे को कहीं ना कहीं फायर बोल्ट की जो कौन सी वॉच है वंडर उसकी तरह लग रहा है इसका, टेक द लीप। तो गाइज यहाँ पे इंस्टेंट कनेक्शन मतलब सीमलेस ब्लूटूथ कनेक्शन मिलेगा आपको, प्रीमियम बिल्ड इन डायल पैड और उसी के साथ साथ 10 कॉन्टेक्ट को आप सेव कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है 2.5D कर्व ग्लास के साथ, 550 निट्स की है, 1.83 इंचेस की। तो सिमिलर डिस्प्ले मिलती है, उतनी बड़ी मिलती है आपको जो फायरबोल्ट की वंडर थी उतनी ही बड़ी डिस्प्ले इसमें देखने को मिलती है। वेग गेस्चर मिलता है, डिजाइन टू आउटशाइन। वेव लीप कॉल विद अ प्रीमियम मेटेलिक बॉडी कम्स इन 3 हेड टर्निंग कलर्स। तो यहाँ पे मेटल का बिल्ड है, मतलब प्रीमियम बिल्ड मिलने वाला है, 3 कलर्स में भी मिलेगी, ब्लू पिंक और ब्लैक। लीप इंटू एक्शन विद 100+ स्पोर्ट्स मोड, कीप योर फिटनेस जर्नी फन एंड एक्साइटिंग, टाइमली एंड एक्यूरेट ट्रैकिंग। अब गाइस कंपनी ने क्लेम किया एक्यूरेट ट्रैकिंग, तो आई डोंट नो यहाँ पे मतलब इतना एक्यूरेट रहे कितना नहीं, अनबॉक्सिंग के बाद पता चलेगा। पावर पैक परफॉर्मेंस, यहाँ पे 10 दिन का बैटरी लाइफ मिलेगा, 3 दिन का अनइंटरप्टेड कॉलिंग, 60 डेज ऑफ बैटरी स्टैंड बाय लाइफ। 60 डेज का स्टैंड बाय टाइम है, तो गाइस बहुत ही तगड़ी बात है। वैसे 30 या 20 डेज का ही स्टैंड बाय टाइम मिलता है मैक्सिमम वॉचेस में। स्टे सेफ एंड साउंड, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लीप मॉनिटर भी कर सकते हो, डेली एक्टिविटी ट्रैकर और IP68 रेटेड भी है। तो पानी में अंदर लेके जा सकते हो, हैवी रेनिंग में लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है, बट डीप स्विमिंग में लेके नहीं जा सकते। सारे के सारे नोटिफिकेशन इन द वॉच इटसेल्फ मिल जाते हैं, मेड फॉर द ग्राम। यहाँ पे मैच योर वॉच फेस विद योर OOTD डेली, तो अपने मूड के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, वॉच फेस लगा सकते हो। अदर फीचर्स की बात करें, यहाँ पे फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, टॉर्च लाइट देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे स्ट्रैप जो है इसका 22mm रहने वाला है, आफ्टर मार्केट का इसमें लगा पाओगे, ये अच्छी बात है। और गाइज इसका प्राइस क्या रह सकता है, तो यही रहेगा अंडर 2000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकती क्योंकि ना ही इसमें AMOLED है ना ही कुछ है। यहाँ पे TFT पैनल दिया गया 240 pixels वाला, तो ये भी है कहीं ना कहीं, बट गाइज ठीक है। अगर मेटेलिक बिल्ड वाली प्रीमियम वॉच है तो आपको अंडर 2000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में बोट वेव लीप कॉल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रीव्यू था सिंपल सा। आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इस वॉच से रिलेटेड तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।